थ्री की टेबल में नहीं आता, फोर की में नहीं, फाइव की में आता है, फाइव टू से टेन हम ऑलरेडी ये फैक्टर और ले चुके हैं फाइव। इसके बाद सिक्स की टेबल में नहीं, सेवन की टेबल में नहीं, एट की टेबल में नहीं, नाइन की टेबल में नहीं और फिर सीधा टेन की टेबल में आता है। वन टेन से टेन ये हो गए हमारे, तो हमारे टेन के फैक्टर्स क्या हो गए, वन टू फाइव और टेन। ओके अब स्टार्ट करते हैं। ओके इसके बाद फर्स्ट है हमारे ट्वेंटी, ट्वेंटी की तो वन ट्वेंटी से ट्वेंटी, वन की टेबल में तो आएगा, ट्वेंटी की में भी आएगा। उसके बाद टू की में आता है, टू टेन से ट्वेंटी, थ्री की में नहीं आता। उसके बाद फोर की में आता है, फोर फाइव से ट्वेंटी। उसके बाद फाइव की में आता है, फाइव फोर से ट्वेंटी, ऑलरेडी बने फाइव फोर से ट्वेंटी ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद सिक्स की टेबल में नहीं, सेवन की टेबल में भी नहीं आता, एट की टेबल में भी नहीं, नाइन की में भी नहीं, टेन में टेन टू से ट्वेंटी वो भी हम लिख चुके हैं, टेन टू से ट्वेंटी। उसके बाद इलेवन ट्वेल्व किसी की टेबल में नहीं आता, फिर सीधा ट्वेंटी की टेबल में आता है, ट्वेंटी वन से ट्वेंटी ये भी हो चुका है। अब इसके बाद फैक्टर्स क्या हो गए, ये सारे फैक्टर्स हो गए, ये सारे फैक्टर्स हो गए, देख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी। इसके बाद ट्वेंटी एट को देखो, ट्वेंटी एट किस किस टेबल में आता है, वन की टेबल में तो आई गई, वन ट्वेंटी एट सा ट्वेंटी एट। इसके बाद टू की टेबल से फोर्टीन टाइम्स डिवाइड होता है ट्वेंटी एट, टू की टेबल से फोर्टीन टाइम्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ट्वेंटी एट, तो टू की टेबल में आ गया फोर्टीन टाइम्स में। इसके बाद थ्री की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, फोर की टेबल से होगा, फोर सेवन से ट्वेंटी एट, फोर सेवन से कितना होता है ट्वेंटी एट, तो ये हो गया हमारा फोर सेवन से ट्वेंटी एट। फोर की टेबल में भी आता है, फाइव की टेबल में नहीं आता, सिक्स की में नहीं, सेवन की में, सेवन फोर से ट्वेंटी एट ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, सेवन फोर से ट्वेंटी एट। इसके बाद एट की टेबल में भी नहीं आता, नाइन की में भी नहीं, टेन की इसके बाद आता है, फिर फोर्टीन की टेबल में, फोर्टीन टू से ट्वेंटी एट ये हो चुका है, फोर्टीन टू से ट्वेंटी एट। और इसके बाद सर ट्वेंटी एट की टेबल में आता है, तो ये हमें ट्वेंटी एट के कौन कौन से फैक्टर्स मिलते हैं, वन टू फोर ट्वेंटी एट फोर्टीन सेवन, इन्हें हम इसे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी आर। क्या क्या फैक्टर है हमारे, वन टू फोर फाइव टेन ट्वेंटी, इसे भी हमें असाइनमेंट नंबर पर लिखना है, वन टू फोर फाइव टेन ट्वेंटी। इसके फैक्टर्स आ गए हमारे ट्वेंटी के, इसके बाद फैक्टर्स है हमारे ट्वेंटी एट के, फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट के फैक्टर्स हो गए वन टू फोर सेवन फोर्टीन ट्वेंटी, वन टू फोर सेवन फोर्टीन और ट्वेंटी एट। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमें कॉमन फैक्टर्स, कॉमन यानी जो दोनों में हो, फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी बता दिए, ट्वेंटी एट कॉमन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो वन दोनों में कॉमन है, टू दोनों में कॉमन है, इसके बाद फोर भी दोनों में है, और कोई नंबर है जो दोनों में है, नहीं है। कौन कौन से हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स ट्वेंटी और ट्वेंटी एट के, हो गए हमारे वन टू और फोर। ओके इसके बाद नेक्स्ट है ना फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले फिफ्टीन के फैक्टर्स निकालेंगे, फिफ्टीन वन इंटू फिफ्टीन कितना हो गया, वन फिफ्टीन सा फिफ्टीन। इसके बाद टू की थ्री की, थ्री की टेबल में आता है, थ्री फाइव सा फिफ्टीन। इसके अलावा फाइव की टेबल में आता है, फाइव थ्री सा फिफ्टीन ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद सीधा फिफ्टीन की टेबल में आता है, फिफ्टीन वन सा फिफ्टीन, तो हमारे फिफ्टीन के फैक्टर क्या आ गए, वन और थ्री फाइव और फिफ्टीन। ओके इसके बाद नेक्स्ट है ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव के फैक्टर्स कैसे, वन की टेबल में आएगा, वन ट्वेंटी फाइव सा ट्वेंटी फाइव। इसके बाद फाइव की टेबल में आता है, फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव। इसके अलावा ट्वेंटी फाइव की टेबल में आता है, ट्वेंटी फाइव सा ट्वेंटी फाइव। तो इसके फैक्टर्स फाइव को हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे, वन फाइव और ट्वेंटी फाइव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, वन फाइव और ट्वेंटी फाइव। तो हमारे फिफ्टीन के फैक्टर्स क्या हो गए, वन थ्री फाइव और फिफ्टीन, वन थ्री फाइव और फिफ्टीन। इसके बाद नेक्स्ट है ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव के फैक्टर्स क्या हो गए, वन फाइव और ट्वेंटी फाइव। क्वेश्चन में क्या कॉमन फैक्टर्स बताना है, कॉमन फैक्टर्स तो दोनों में आ रहे हैं, वन आ रहा है, इसके बाद फाइव आ रहा है, और कोई वैल्यूज है जो दोनों दोनों का फैक्टर हो, नहीं है। तो इसके बाद इसके फैक्टर्स क्या हो गए हमारे फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव के, वन एंड फाइव, ठीक है। अब हमें कॉमन फैक्टर निकालना है जिसमें हमें तीन वैल्यूज दी है, तीनों का कॉमन फैक्टर यानी जो सेम वैल्यू है वो तीनों में आनी चाहिए। इसके बाद
फोर के फैक्टर्स देखे, वन फोर सा फोर, उसके बाद टू टू सा फोर, उसके बाद थ्री के टेबल में फोर आता नहीं है, फोर वन सा फोर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो फोर के हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, वन टू और फोर, ठीक है। इसके बाद एट है, एट के फैक्टर्स कैसे निकालने के, वन एट सा एट, टू फोर सा एट, और इसके बाद थ्री की टेबल में नहीं आता, फोर फाइव किसी की टेबल में नहीं आता, फिर फोर की टेबल में आता, फोर टू सा एट, फोर टू सा एट लिख चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद एट वन सा एट, एट वन सा एट भी हम लिख चुके हैं। तो हमारे इसके एट के फैक्टर्स क्या हो गए, वन टू फोर और एट। नेक्स्ट है हमारा ट्वेल्व, ट्वेल्व का फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया, वन ट्वेल्व से ट्वेल्व, इसके बाद टू सिक्स से ट्वेल्व, थ्री फोर से ट्वेल्व, फोर थ्री से ट्वेल्व, फाइव की टेबल में नहीं आता, सिक्स टू से ट्वेल्व लिख चुके हैं ऑलरेडी, सेवन एट नाइन टेन की टेबल में नहीं आता, वन थ्री भी नहीं आता, ट्वेल्व वन सा ट्वेल्व। तो हमारे ट्वेल्व के फैक्टर्स क्या हो गए, वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व, तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए, तीनों के फैक्टर्स को नीचे लिखेंगे। फोर के क्या है, वन टू और फोर, इसके बाद एट के फैक्टर्स लिखेंगे, क्या है, वन टू फोर और एट। नेक्स्ट है हमारे ट्वेल्व के फैक्टर्स, वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व, ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, इसीलिए वन टू थ्री फोर सिक्स ट्वेल्व। तीनों के फैक्टर्स आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर यानी वो वैल्यू जो तीनों में आ गई, जो तीनों का फैक्टर हो, एक तो वन तीनों का फैक्टर है, इसके बाद टू, टू भी तीनों का फैक्टर है, तीनों फोर में फोर का भी है, एट का भी है, ट्वेल्व का भी है, फिर वैल्यू है फोर, फोर भी हमारा जो है वो तीनों का फैक्टर है, वो वैल्यू जो तीनों में आ रही है, कॉमन वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ फोर एट एंड ट्वेल्व आर वन टू एंड फोर, आंसर में क्या गया हमारा, वन टू एंड फोर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ, कॉमन मल्टीपल अभी हमने क्या किया था, फैक्टर्स निकाले थे, फैक्टर्स निकालने के बाद कॉमन देख रहे थे, कॉमन कैसे जो दोनों ही वैल्यूज में आए, सेम ऐसे ही हमें फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हमने उससे पहले मल्टीपल्स निकाल लिए, किस किस के, सिक्स के और एट के। सिक्स के मल्टीपल्स क्या है, सिक्स का वन टाइम टू टाइम मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसके बाद हम लिख रहे हैं सिक्स के मल्टीपल्स में नंबर, जैसे नंबर हमारे इनफाइनाइट होते हैं, नंबर कभी खत्म नहीं होते, आगे तक जाते हैं, सेम ऐसे ही मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स में हमारे कभी खत्म नहीं होते हैं, वो भी इनफाइनाइट तक जाते हैं, मल्टीप्लाई करते रहो नंबर बढ़ता रहेगा, सेम ऐसे ही हमने सिक्स के मल्टीपल्स निकाल लिए, ये हो गए हमारे सारे मल्टीपल्स एंड सो ऑन। इसके बाद हमने एट के मल्टीपल्स निकाल लिए, मल्टीपल्स ऑफ एट आर। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ, हमने इनके मल्टीपल्स नहीं कहाँ तक निकाले, जहाँ तक हमें थ्री कॉमन मल्टीपल मिल गए हैं, इन दोनों में देखो कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही है, फर्स्ट है 24 दोनों में आ रही है, इसके बाद सेकंड वैल्यू चेक की, सेकंड वैल्यू कौन सी आ रही है, 72 सिक्स का भी मल्टीपल है और एट का भी मल्टीपल है, इसके बाद थर्ड वैल्यू क्या आ रही है, 96 भी सिक्स का मल्टीपल भी है और एट का मल्टीपल है, हमें दोनों में मिल गए, कितने मल्टीपल्स निकालने थे, थ्री मल्टीपल्स, फोर पूछे होते तो हम और मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इससे भी और मल्टीप्लाई करते जाते, ठीक है। तो हमारे थ्री कॉमन मल्टीपल कौन से हो गए, सिक्स और एट के, 24 72 एंड 96। क्वेश्चन में पूछा था अगर ऐसे थ्री वैल्यूज दी होंगी उनके कॉमन मल्टीपल पूछेंगे तो भी हम उनके पहले मल्टीपल्स निकालेंगे, फिर उसके बाद तीनों में से कॉमन वैल्यूज निकालेंगे, जो कॉमन वैल्यू आ गई वो हो गई 24 72 और 96। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कोप्राइम, इनमें से कौन से जो नंबर्स का पेयर है वो कोप्राइम है, सर है फर्स्ट है 18 और 35। कोप्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली वन हो, जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली वन हो। चेक करते हैं 18 और 35 के पहले फैक्टर निकालेंगे, वन से तो हो गए 180 सर,
एटी इसके बाद टू से होगा, टू नाइन सा एटीन, थ्री की टेबल में क्या आता है थ्री सिक्स एटीन, इसके बाद फोर फाइव सिक्स, फोर फाइव की टेबल में नहीं आता है सिक्सटीन आता है, सिक्स थ्री सो एटीन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके बाद नाइन आता है नाइन टू सो एटीन वो भी हम लिख चुके हैं और एटीन वन सा एटीन, तो एटीन के हमारे फैक्टर्स कौन से होते हैं वन टू थ्री सिक्स नाइन एटीन, उन्हें हम यहाँ लिखेंगे के बाद नेक्स्ट है हमारा 35, 35 के फैक्टर्स देखते हैं सर 1 into 35 आगे हमारा 35 उसके बाद किसकी टेबल में आता है सीधा सीधा 5 की टेबल में आता है 5 से हमेशा 35 फिर 60 है 7 की टेबल में आता है 7 5 से 35 होते हैं जो के फिर उसके बाद सीधा 35 की टेबल में आता है 35 1 से 35 तो 35 के हमारे फैक्टर क्या हो गए 1 5 7 और 35 दोनों के फैक्टर्स निकालिए हमने 18 के भी और 35 के इक्वेशंस का फोर प्राइम नंबर, फोर प्राइम नंबर कौन से होते हैं वो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर पर सिर्फ वन आए, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही आ रहा है और कोई नंबर कॉमन आ रहा है इनमें नहीं आ रहा, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है वन, तो ये वाले नंबर क्या है हमारे को प्राइम नंबर, ठीक है। सेम ऐसे हमारा नेक्स्ट है 6 एंड 24, सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं 1 6 का 6 2 3 का 6 फिर आएगा 3 2 का 6 और 6 1 का 6 और किसी टेबल में ये नहीं आता, 24 के फैक्टर्स 1 24 का 24 2 से 24 12 टाइम्स में कंप्लीट के डिवाइड होगा तो 2 12 से 24 इसके बाद 3 के टेबल में आता है 3 8 से 24 के बाद 4 की में भी आता है 4 6 4 24 5 की में नहीं आता इसके बाद फिर 16 आता है 6 4 4 24 देख चुके हैं हम पहले से 8 में आता है 8 3 4 24 12 2 4 24 और 24 into 1 24 तो हमारे 24 के फैक्टर्स क्या होता है 1 2 3 4 6 8 1 24 और 6 के फैक्टर्स होता है 1 2 3 6 ठीक है। 24 के क्या हो गए 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. कॉमन फैक्टर्स देखे हमने 6 के और 24 के कॉमन फैक्टर क्या है 1 भी कॉमन आ रहा है दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है और 6 भी दोनों में कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें क्या पूछा है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसमें दोनों वैल्यूज का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो वन, लेकिन ये हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं है। इसके बाद हमारा था 18 एंड 35, 18 के फैक्टर्स निकाले 35 के फैक्टर्स निकाले, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आ रहा था वो वन आ रहा था इसका मतलब ये हमारे को प्राइम नंबर है और ये 6 एंड 24 नहीं है 18 और 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 बाय व्हाट अदर नंबर्स कैन दैट नंबर बी डिविजिबल, हमें क्या बताना है इसमें 12 से कौन कौन से 12 किस किस नंबर से हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा देखते हैं। एक 1 है 1 से सभी नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 1 सभी की टेबल में आता है उसके बाद 2 12 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 से 12 इसके बाद 3 3 से भी हो जाएगा 3 4 से 12 4 से भी हो जाएगा 4 3 से 12 5 से होगा नहीं होगा 5 कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं मतलब रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए रिमाइंडर में कुछ बचना है तो फिर वो नहीं होगा कम्प्लीटली डिवाइड। इसके बाद 5 से नहीं हो रहा 6 से हो रहा है 6 से हो जाएगा 6 टू से 12 ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपके क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप पे पूछ